जम्मू कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र की जारी की गई एक रिपोर्ट पर काफी बवाल मचा था, लेकिन अब इस रिपोर्ट में जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कनाडा में बसे पाकिस्तानी इस्लामिक जफर बंगास का कहना है कि जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट तैयार की थी वह लगातार उनके टच में था। साफ है कि खुलासा कश्मीर में सेना के खिलाफ जारी की गई इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी एजेंडे को दर्शाता है। टोरंटो में बसे जफर बंगास एक इस्लामिक जर्नलिस्ट है और यॉर्क क्षेत्र की मस्जिद में इमाम भी है। कश्मीर मुद्दे पर एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के उच्चायुक्त जायद बिन रॉड अल हुसैन रिपोर्ट तैयार करने के दौरान उनके टच में थे। बंगास के मुताबिक इस सिलसिले में लगातार उनकी पाकिस्तान विदेश मंत्रालय में बात हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि यूएन मानवाधिकारों के हाई कमिश्नर और उनके साथी प्रतिनिधि पाकिस्तान जाएंगे और पीओके में उनका सम्मान भी होगा। कश्मीर के मानवाधिकार उल्लंघन के मसले के तत्काल समाधान की जरूरत पर बल देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर में राजनीतिक समाधान के किसी भी प्रस्ताव पर यह बात शामिल होनी चाहिए कि वहां हिंसा का चक्र बंद हो और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय किया जाए। इस रिपोर्ट में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी की भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा मारे जाने की भी चर्चा की गई है, जिसका घाटी में विरोध हुआ था। भारत सरकार ने कश्मीर पर यूएन की रिपोर्ट को भ्रामक, पक्षपात पूर्ण और प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि रिपोर्ट पूरी तरह से पूर्वाग्रह से प्रेरित है और गलत तस्वीर पेश करने का प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है।